सी हंसी होठों पे फंसी है, गुदगुदी कर रही हवा। दबी दबी सी हंसी होठों पे फंसी है, गुदगुदी कर रही हवा। हल्ला मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे बात करने वाला हूं आधार कार्ड के बारे में। तो जान लेते हैं किस तरह से आप डाउनलोड करेंगे आधार कार्ड, तो इसी के बारे में आज बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामदेव और आप देख रहे हो हिंदी यूट्यूब चैनल ई कॉर्नर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ओपन करना होगा google.com। उसके बाद आप चाहे तो याहू, बिंग्स, सभी सर्च जो इंजन है उसमें आप ये मेथड यूज कर सकते हो। इसमें आपको सर्च करना होगा UIDAI। देखिए इस तरह से सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी वो होगी आधार वेबसाइट, UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट। सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा, तो ये देखिए। उसके बाद आपको सिंपली डाउनलोड आधार के ऊपर क्लिक करना होगा। ये देखिए सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से आपको रिडायरेक्ट कर देगा aadhaar.uidai.gov.in/hash/popup। उसके बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया जा रहा है, तो आपको इसका जो पासवर्ड होगा जो आप डाउनलोड करेंगे PDF, उसका पासवर्ड आप किस तरह से उसको खोल सकते हो, उसका क्या पासवर्ड होगा। सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि जब भी ये PDF आप डाउनलोड करेंगे आधार कार्ड की, तो उसका डिफॉल्ट नेम जो है आपका आधार नंबर ही होगा। उसके बाद उसका जो पासवर्ड होगा वो देखिए इस तरह से उसका पासवर्ड होगा। जिस तरह से मान लीजिए किसी का नाम सुरेश कुमार है, अगर उसका जो डेट ऑफ जो ईयर है, तो उस तरह से उसका जो पहले जो चार अक्षर होंगे वो कैपिटल होंगे, उसके बाद उसका ईयर ऑफ बर्थ, उसका जो बर्थ ऑफ ईयर है वही आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे किसी का तीन अंकों का है नेम, जिस तरह साई कुमार, तो उसके बाद उसको अपना जो नेम है उसके तीन अक्षर, उसके बाद उसके सरनेम का एक अक्षर, सभी कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ, इसी तरह से उसको डालना होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी का नाम ही, तो ये देखिए अगर किसी का नाम ही तीन अक्षर का जिस तरह से RAI, तो उसको सिर्फ यहाँ पे तीन अक्षर यहाँ पे लिखने होंगे, उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ। तो इस तरह से आप अपना आधार कार्ड का जो पासवर्ड है उसको आप यहाँ से दे करके आप यहाँ से उसको डाल सकते हो और अपना PDF जो ओपन कर सकते हो। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली आपका एनरोलमेंट ID डालना होगा, उसके बाद फुल नेम, पिन कोड, इमेज, उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे जो आपका जो जहाँ पे आपको ये दिख रहा है ये किस तरह से इमेज, यही आपको कैप्चर यहाँ पे फिल करना होगा। तो मैं इसको सब कुछ फिल कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा आपका मोबाइल नंबर पे, उसको आपको डालना होगा। OTP फिल करने के बाद ही आप आधार नंबर और आपका जो नेम सब कुछ आप PDF में चेक कर सकते हो, उसकी PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे ज़रूरी है आपके आधार नंबर में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। देखिए जल्द से जल्द मैं इसको फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ अगला प्रोसेस किस तरह आप PDF फाइल को ओपन करेंगे। तो ये देखिए सिंपल आपको यहाँ पे OTP फिल करने के बाद वैलिडेट एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना होगा, उसके बाद आपका जो PDF फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल आपको उसका पासवर्ड एंटर करके आप अपना आधार नंबर और सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो। तो इसी तरह से आप एनरोलमेंट ID का यूज़ करके भी आपका आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, और आप किसी का करना चाहो तो कर सकते हो। इसका यूज करके भी आप अपने घर बैठे ही अर्निंग कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।